नमस्ते। आज हम सब यहाँ एकत्र हैं और इतनी बड़ी संख्या में और हम सब इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि हम सब कितने कमिटेड हैं इस पर्पस के लिए। और आप सब आनंदशालाओं का संचालन अपने अपने स्थान पर और जहाँ पर भी आपको निमंत्रण मिलेगा वहाँ पर जाकर आप स्वयं उसको ऑर्गेनाइज करके करेंगे, ये पूरा विश्वास है। और जब भी हम लोग इस तरह के कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ हम लोगों को ही होता है। जितने बार भी मैं रिसर्च मेथड या रिसर्च राइटिंग पे कुछ यंग स्कॉलर्स के साथ या जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर करता हूँ, मुझे ही इनसाइट मिलते हैं, मेरा ही कल्याण होता है। तो आप जितना आनंदशाला आप कंडक्ट करेंगे उतना आपकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग और स्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट वो सब होगा। ये आप में से बहुतों का अनुभव भी रहा होगा और ये पुनःस्मरण के लिए मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। अभी गणेश जी का पर्व चल रहा है। मुंबई में तो बहुत धूमधाम से पर्व होता है और हर जगह तो नहीं होता, लेकिन उतने धूमधाम से जितना मुंबई में होता है। लेकिन दुर्गा पूजा का पर्व अभी आने वाला है ना, और पूरे भारत में अधिकांश स्थानों पर देवी माता की प्रतिमाएं आप देखेंगे। तो आनंदशाला शुरू करने के लिए मुझे लगा कि यही हम लोग सोचे कि मूर्ति, भगवान माँ दुर्गा की मूर्ति और शोध आधारित लेखन, रिसर्च बेस्ड राइटिंग, इसमें क्या समानता हो सकती है। आप चाहें तो बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके। पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। सृजनशीलता भैया जी, भैया सृजनशीलता, विजन, सृजनशीलता जी, बिल्कुल। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं ये कहा आदित्य जी ने, फिर सृजनशीलता जैसे मूर्ति बनाने में है वैसे ही आर्टिकल लिखने में भी हमारा सृजनशीलता काम आती है जी। कल्याणकारी रिसर्च, किसका रिसर्च? लोक कल्याण के लिए शोध, लोक कल्याण के लिए, यस, लोक कल्याण के लिए काम है बिल्कुल। डॉक्टर जगबीर भाई साहब, बारीकियों का बहुत ख्याल रखा जाएगा जी। मूर्ति और रिसर्च में एक कॉमन सी चीज रहे बिल्कुल। तो जितना सर जिस तरह से मूर्ति बनाने के लिए पहले एक ढांचा बनाया जाता है, उसका प्रारंभिक स्वरूप कल्पना करके फिर धीरे 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 उसमें और भी चीजें जुड़ी जाती है और उसका श्रृंगार और किया जाता है, वैसे ही एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पहले लेख का भी होता है और फिर धीरे 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 उसमें डिटेल्स और ऐड की जाती है। क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक भाई साहब। सूक्ष्म अन्वेषण दृष्टि, सूक्ष्म अन्वेषण दृष्टि बिल्कुल, कैसे हम सूक्ष्मतापूर्वक अन्वेषण करके किन स्थानों पर क्या क्या रख सकते हैं, ये रिसर्च में भी होता है और मूर्तिकला में भी देखा जाता है। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर जगबीर सर, भाई साहब, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स के अंदर आप मूलतः कोई एक विषय प्रश्न को लेकर उसका करेक्शन करते हैं या उसको फर्दर एडिशन करते हैं या उसके अंदर कुछ नया नैरेटिव्स आप सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव जिसे आप कॉमनली कहते हैं वो होना चाहिए इसमें जी ना। तो हम आशीष जी, भाई जी, पहले एक मिनट, एक मूर्ति बनाने से पहले डॉक्टर जगबीर जी आपकी बात हो गई थी क्या जी? हाँ भाई साहब, हो गई। दीपन जी आपका वॉइस ब्रेक हो गया रहा है। मेरा विचार है कि एक कृति, किसी एक कच्ची मिट्टी से पहले हम मूर्ति का निर्माण करते हैं
उसमें आकार देते हैं और आकार देने के बाद में उसकी आराधना करते हैं एकाग्र चित्त से। तो ये दुर्गा माँ की स्थापना से शुरुआत से लेके आखिर तक का, और एकाग्र इतना होके हम करते हैं कि उसके तीन दिन या पूरे एक हफ्ता हम माँ के अलावा कुछ और सोचते नहीं है। तो वैसे ही श्रोत्र पत्र में होता है कि लास्ट के जो एक जब आकार मिल जाता है हमारे शोध पत्र को, तो हम उसमें तल्लीन हो जाते हैं, फिर हमें कुछ और नहीं दिखाई देता, उसी के शब्द उसी के मतलब आकार दिखाई देता रहता है। बहुत सुंदर। तो हाँ, ये हेलो हाँ जी हेलो, चर्चा को थोड़ा विराम देंगे। आशीष पांडे जी विषय को आगे बढ़ाते हैं। जी हेलो जी जी आखिरी कमेंट जी जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्यासागर मेरठ यूनिवर्सिटी में हूँ, पढ़ाता हूँ हिंदी बच्चों को। मैं सुन रहा था, मुझे लगता है कि हम सब यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं तो सबके दिमाग में शोध को लेकर कुछ ना कुछ है, और मुझे लगता है कि रिसर्च आर्टिकल या शोधालेख लिखने में सबसे जरूरी बात होती है जिसे हम ओंटोलॉजिकल फॉर्मेशन कहते हैं। बिल्कुल, अर्थात किसी वस्तु के तह में जा करके जो विषय वस्तु है हम पड़ताल करते हैं ताकि नई संकल्पना विकसित की जा सके, क्योंकि शोध जो है अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो उसकी यथार्थता या आप कह सकते हैं प्रासंगिकता तभी बनी रहेगी जब तक हम कुछ नयापन ढूंढ नहीं लाते। तो मेरे ख्याल से उसका ओंटोलॉजिकल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है शोधालेख। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद प्रोफेसर सिंह। तो जैसे कि जैसा प्रोफेसर सिंह ने कहा कि हम सब यहाँ पे चिंतन मनन लेखन में इन्वॉल्व लोग हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा विचार शोध का अनुभव है ही। तो यही इसी तरह का जो चर्चा है वो हम आनंद शाला में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपने सबने कहा ही कि जैसे पहले स्ट्रक्चर बनता है, एक कोर स्ट्रक्चर जो होता है, उसके बाद उसके चारों तरफ और कुछ पुलाव वगैरह लगा करके उसको और आकार दिया जाता है, फिर उसके ऊपर फिर मिट्टी रखी जाती है, फिर उसके बाद उसको रंग दिया जाता है। तो इस एनालॉजी से, इस कंपैरिजन से जब हम अपने छात्रों को, अपने पार्टिसिपेंट्स को बताएंगे तो उनको ये बात तुरंत ही समझ में आ जाएगी कि जैसे एक स्ट्रक्चर और से लेकर के कोर क्वेश्चन से लेकर के कोर स्ट्रक्चर से के बाद कैसे उसका रंग रोगन तक काम आगे बढ़ता है मूर्तिकला का, वैसे ही लेखन का भी इसी तरह काम आगे बढ़ता है। तो इसके बाद फिर आपको ठीक लगे तो ये आप उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन वगैरह भी बता सकते हैं, अथवा बहुत सारी चीजें तो चर्चा से क्लियर हो ही जाएंगी। तो जब हम बोलते हैं रिसर्च बेस्ड राइटिंग या शोध आधारित लेख, तो इसका उद्देश्य व्यवस्थित गहन मौलिक शोध करना, और ये सारी चीजें इस जो कंपैरिजन है मूर्ति बनाने का, इसमें हमको देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये है कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है वो शुरुआत का ही रहता है। तो जैसे फर्स्ट गियर में सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, उसके होता है, और मूर्ति कला जिस तरह से एक आगे बढ़ती है चरणबद्ध तरीके से, वैसे ही रिसर्च पेपर राइटिंग भी, उसका भी कंपेरिजन किया जा सकता है। और ये हमारी जो मुख्य थीम है वो हमें पता ही है, तो उसको इसको एक बार और बताना अच्छा होता है, किसी भी अच्छा होगा आनंदशाला में जब भी आप इसको कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जैसा कि मुकुल भाई साहब ने कहा उससे अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करे और ये देखे कि उसके जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी विषयों में सम्मिलित हैं और उस पे वो शोध लेखन कर सकते हैं। और जिस तरह मूर्ति में एक स्ट्रक्चर, कोर स्ट्रक्चर होना आवश्यक है, वैसे ही इन प्रश्नों के, इन थीम्स की, और जो कि उपविषय दिए गए हैं उन पे
वो एक बड़े विस्तृत विषय है वो अपने आप में। उसमें हमारा क्या प्रश्न है ये हमें अपने अनुभव के हिसाब से जानना आवश्यक है। तो आप पार्टिसिपेंट्स को आप बता सकते हैं कि वे प्रश्न हमें दैनिक जीवन के चर्चा से मिलते हैं, हमारी जो शिक्षा हो रही है जिस भी स्थिति जिस भी अवस्था में जिस भी विषय में हम दे रहे हैं वहां से प्रश्न मिल सकते हैं, न्यूज़पेपर से प्रश्न मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो संवाद हो रहा है वहां से प्रश्न मिल सकते हैं। प्रश्नों का कोई अंत नहीं है और उनके सोर्सेस का भी कोई अंत नहीं। तो पर मुख्य बात यह है कि हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग प्रश्न है वो आवश्यक है। हमारे लिए लिखना बहुत मुश्किल होगा कुछ भी अगर हमारे पास हमारा प्रश्न नहीं है जिसपे कि हम आगे विचार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे और भी लोग विचार करें। तो अब जैसे आत्मनिर्भर भारत का है उदाहरण, वो एक हमारी एक थीम है। तो आत्मनिर्भर होने का वास्तविक स्वरूप क्या है, या आत्मनिर्भरता जो है वो पृथक्तावाद से कैसे अलग है, कैसे हम पूरे संसार से जुड़े रहकर और आत्मनिर्भर दोनों हो सकते हैं, कौन से क्षेत्र हैं जिसमें भारत को आत्मनिर्भरता और समृद्धि शीघ्रता से प्राप्त हो सकती है, और कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे हमें आत्मनिर्भरता बहुत सीमा तक भारत में है ही, जैसे वैक्सीनेशन वैक्सीन डेवलपमेंट है या वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भारत को कहते हैं, सर्विस सेक्टर में आईटी में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भारत का वहां से ही होता है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहाँ पे कि आत्मनिर्भरता है। उन विषयों को समझना भी, जैसे कि फलों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, उससे भी बहुत आगे है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो कैसे हुआ। आपने अगर आपने नोटिस किया होगा जो अमरूद या गुआवा जो आता है पिछले 5-7 सालों में उसका स्वरूप बदल गया, पहले जिस आकार का और जिस साइज का आता था अब वो आकार और साइज और वो चेंज हो गया, वो ज्यादा स्वादिष्ट हो गया, उसका आकार ज्यादा बड़ा हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये किस हमारे साइंटिस्ट ने वो हॉर्टिकल्चरिस्ट ने कुछ ना कुछ उसमें काम किया बहुत वर्षों तक तब जा करके ऐसा हुआ, ऐसा अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। तो उन क्षेत्रों को उसमें से कौन सा क्षेत्र हमें पसंद है, इस तरह से ये भी प्रश्न हो सकते हैं। अगर आज नेताजी हमारे बीच होते या हैं ही, जैसा कि एक बार भाई साहब ने भी कहा था, हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है नेताजी ने हमारे हर्ष सिंह जी के रूप में पुनर्जन्म लिया हो, प्रदीप सिंह जी के रूप में पुनर्जन्म लिया हो, प्रीति दीदी के रूप में पुनर्जन्म लिया हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो आज के जो प्रश्न है विदेश संबंधों के या आर्मी ट्रेनिंग के या डेवलपमेंट के या आत्मनिर्भरता के, उसमें नेताजी क्या बोलते, ये इस तरह से भी हम प्रश्नों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हमारे पास प्रश्न आइडेंटिफाई हो जाते हैं तब हम लोग तब हम पार्टिसिपेंट्स को बता सकते हैं कि फिर आप उस प्रश्न का जो जितने भी घटक हैं उनको एक एक करके उसका विवेचन करिए। तो जैसे कि एक आत्मनिर्भरता में अगर हम मान लीजिए लिखें तो पहला ही सेंटेंस या शुरुआती शुरुआती तथ्यों में एक बात ये होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव 2 बिलियन वैक्सीन्स और इट हैज ये थोड़ा पुराना है, अभी 2 बिलियन वैक्सीनेशन हो गए, अभी हो गए, ये एक अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है। प्रश्न ये हो सकता है कि ये कैसे हुए, ये इस पर भी बहुत अच्छा शोध पत्र लिखा जा सकता है कि कैसे हुए क्या हुआ। तो इस प्रश्न को इस तरह से देख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को भी इस तरह से देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन, या सिर्फ ये राज्य राष्ट्र केंद्रीय सरकार ने किया या राज्य ने किया, राज्यों का इसमें क्या योगदान था, केंद्र सरकार का क्या योगदान था, ये 2 बिलियन आए कैसे, 2 बिलियन का अनाउंसमेंट तो 8-6 महीने पहले हो गया था, काफी दिन पहले हो गया था, उस वो कैसे पूरा हुआ, वो अनाउंसमेंट के पहले कितनी प्लानिंग की गई होगी तब जाकर के वो अनाउंसमेंट हुआ, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन में कितने ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे दूर किया गया,
ये अपने आप। तो अगर हमने एक ही विचार को, एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही प्रश्न को अगर ठीक से उसकी विवेचना कर ली तो हमारा पूरा आर्टिकल तैयार हो जाए। ऐसे आप अपने क्षेत्र के कोई भी प्रश्न ले सकते हैं, कहाँ से आया, कैसे दो अरब आए, दो अरब का मतलब क्या था, एकदम से आए या धीरे धीरे करके आए, क्या हुआ। तो जो भी हमारे प्रश्न हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रश्न हमारा नेताजी से संबंधित है कि नेताजी अगर आज होते तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहते, या नेताजी आज होते तो हम आज के युवाओं को उनका क्या संदेश होता, या नेताजी आज होते तो आर्मी ट्रेनिंग के बारे में क्या कहते, या इस तरह से भी प्रश्नों को देखा जा सकता है। और उनको देखने के लिए ये कुछ एक सोर्सेस हैं, netajipaper.gov.in, नेशनल आर्काइव्स एक बहुत बड़ा सोर्स है, हिंदू जागृति .org में नेताजी के संबंध में काफी जानकारी मिलती है, सिंगापुर गवर्नमेंट एजेंसी की जो वेबसाइट है उसमें भी एक नेताजी के संबंध में काफी जानकारी मिल सकती है, गांधी मणिभवन .org जो लाइब्रेरी है उसमें काफी सारे एजुकेशन रिसोर्स है, पर्टिकुलरली जो महात्मा गांधी और नेताजी के बीच संवाद हुआ और वो जो लेटर्स जो हैं वो वहां पे मिल जाएंगे। फिर और भी जो दूसरे विषय हम ले सकते हैं, क्योंकि कहीं सारे विषय कहीं ना कहीं शिक्षा, हमारी आत्मनिर्भरता और सरकार, गवर्नेंस, संविधान इससे जुड़े हुए हैं। तो जो भी जानकारी हमें चाहिए है उसके लिए आप पार्टिसिपेंट्स को बता सकते हैं कि कैसे वो सर्च करें और कहाँ सर्च करें। ये कुछ एक वेबसाइट्स हैं, डिजिटल लाइब्रेरी जो IIT खड़गपुर की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और ये एनीवे ये PPT सबको पहुँचेगा ही, तो आपके पास ये पहुँच ही जाएगी जानकारी। IIT खड़गपुर, अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी ये टाइप करेंगे तो वहाँ से भी ये वेबसाइट मिलेगी, शोध गंगा एक वेब, उसमें आपको हजारों लाखों पुस्तकें मिल जाएंगी। और डिजिटल लाइब्रेरी में सिर्फ इंग्लिश में नहीं है किताबें, कम से कम 10 लैंग्वेजेस में किताबें मिल जाएंगी, और 10 लैंग्वेजेस में और दूसरे रिसर्च पेपर वगैरह मिल जाएंगे। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट में बहुत अच्छी अच्छी कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, सोशल जस्टिस .NIC की जो वेबसाइट है उसमें मिलेंगी। दो सोर्सेस हम सबको पता ही होने चाहिए, आप सबको पता होंगे ही, आप जरूर अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली उनको ये बताइएगा, गूगल स्कॉलर और गूगल एडवांस सर्च। गूगल स्कॉलर जो है उसमें रिसर्च पेपर्स ही मिलते हैं, तो आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अगर किसी भी विषय में चाहिए तो गूगल स्कॉलर में मिलेगी, और गूगल एडवांस सर्च में किसी भी फॉर्मेट में अगर आपको लगता है कि PPT मिलना चाहिए तो PPT उसमें ऑप्शन डाल करके आप उससे PPT निकाल सकते हैं। PDF फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो PDF का ऑप्शन दे सकते हैं, तो PDF में आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। जो MS वर्ड फॉर्मेट में अगर चाहिए तो मतलब एडवांस सर्च जो है वो बहुत बहुत यूजफुल है। एक और सर्च बहुत यूजफुल है वो YouTube की है। YouTube में बहुत सारे वीडियोस आत्मनिर्भरता पे, आर्मी ट्रेनिंग पे, स्वराज पे, सरकार पे मिलेंगे, और अपने इंटरेस्ट को बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए एक अच्छा माध्यम एक्चुअली YouTube वीडियोस का है। थोड़ा हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम जो भी वीडियो सर्च करें अच्छे सोर्सेस का, अच्छे विद्वानों का होगा, तो हमारा जो समय जो हम उसको देखने में लगा रहे हैं वो सार्थक होगा। दो और अच्छे सोर्सेज हैं, IAS प्रिपरेशन की जो वेबसाइट्स होती है, तो मैंने दो उदाहरण दिए हैं और भी हो सकते हैं, drishti.com और बायजू की एक फ्री वेबसाइट है उसका, ये अलग अलग टॉपिक्स में कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। और कुछ थिंक टैंक्स होते हैं, एक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय थिंक टैंक्स में देखें तो अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा संख्या में थिंक टैंक हैं,
350-400 की संख्या आई थी यूएस में है, और भारत में 278 केसी संख्या आई थी, और उसके बाद फिर बाकी देशों में। तो भारत में भी बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, और थिंक टैंक जरूर अपनी वेबसाइट पे रिसर्च वाइट पेपर्स इत्यादि डाल के रखते हैं, क्योंकि यही उनका काम है। तो जैसे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन vifindia.org, ये बहुत बहुत वर्षों से, कम से कम एक दशक से ज्यादा, 1.5 दशकों से काम कर रहा है। ORF online, ये भी एक थिंक टैंक है जिसकी भारत में ब्रांच है, ब्रुकिंग की भी भारत में ब्रांच है, तो इनसे भी कुछ जानकारी मिल सकती है। जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर हम अपना एक मंतव्य बनाते हैं, उस प्रश्न के संदर्भ में हमारी एक समझ बनने लगती है, उस हमारी समझ को ठीक से आकार और अपनी समझ को ठीक से कृष्णा जी को बताना कि इकट्ठा करने आ जाए तो पैकिंग। एक अच्छी टेक्निक है जिसकी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं अपने आनंदशाला में, और मैंने ये प्रैक्टिस बच्चों की कक्षा से लेकर के MBA और PhD की कक्षाओं तक ये प्रैक्टिस की है, और सभी को इससे लाभ मिलता है, और चिंतन की दिशा मिलती है, चिंतन किन किन क्षेत्रों में जा सकता है उसकी भी प्रेरणा मिलती है। ये एक सिंपल टेक्निक है माइंड मैपिंग की। इसमें पहला अंतर तो ये है कि बजाय हम जब लिखना शुरू करते हैं तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से शुरू करते हैं, पर माइंड मैप में हम बीच से लिखना शुरू करते हैं। जैसे ये माइंड मैप का माइंड मैप है, तो माइंड मैप में हम कागज के जो पन्ना जिस पे हम लिख रहे हैं उसके बीच में मुख्य जो हमारा विचार है वो लिखते हैं, और फिर उसके बारे में हमारा क्या और सोचना है, उसके लाभ क्या हैं, तो उसके लाभ की एक लाइन खींच जाती है, वो कैसे हो सकता है, उससे कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, या उस विषय से संबंधित जो जो मुख्य मुख्य जो विचार करने योग्य धाराएं हैं वो हम बनाते हैं बीच से, और फिर उन धाराओं की फिर से सब ब्रांचेस हो जाती हैं, तो वो सब वो ब्रांचेस बना सकते हैं। तो एक अच्छा टूल है हमारे विचार को बढ़ाने का, और हमें खुद में ये जानकारी देने का कि हम कितना जानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं विषय का, हमको ज्ञान भी होता है, तब भी जब हम शुरुआत करते हैं लिखने की तो हम इसलिए थोड़ा झिझकते हैं कि अरे पता नहीं, मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो इस गलतफहमी से भी बाहर आने के लिए अच्छा है कि अपन माइंड मैप बनाना शुरू करें, तो हमको समझ में आएगा कि किन इस क्षेत्र की कितनी ब्रांचेस हो सकती हैं, कितने कितने पर्सपेक्टिव से कोई चीज देखी जा सकती है, इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं वगैरह, ये सब हमको माइंड मैप से समझ में आता है। एक एग्जांपल माइंड मैप का एक वेबसाइट से मैंने देखा, learningfundamentals.com.ai ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, वो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है नॉट गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने बताया स्ट्रेटजीज फॉर होल फूड प्लांट बेस्ड लिविंग। अब सबको ये समझ में आ रहा है कि होल फूड प्लांट बेस्ड लिविंग ही बेटर है हमारे खुद के शरीर के लिए भी और इस प्लैनेट के लिए भी। तो इसके कितने पर्सपेक्टिव हैं, ये कैसे क्यों हो सकता है, क्यों नहीं होता, सोशल इवेंट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, माइंडसेट लोगों का चेंज करना मुश्किल है, हमको भूखे नहीं रहना चाहिए, तो उस तरह से प्लान करना चाहिए बिफोर आप ये कैसे बनाएं हम होल फूड बनाने के पहले कौन सी तैयारियां, ये सारे विषय प्लांट बेस्ड लिविंग या होल फूड प्लांट बेस्ड लिविंग के ये मैट में एक एग्जांपल के लिए। इसमें आप देखिए लाइन सीधी नहीं जाती, क्योंकि सीधी लाइन हमारे माइंड को उतना अट्रैक्ट नहीं करती, जो कर्व्ड लाइन है उससे हमारा माइंड ज्यादा कनेक्ट होता है। कलरफुल, जितने कलरफुल आप अपनी आनंदशाला में लोगों को बोल सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स को, कि कलर पेन लेकर के आइए, क्रेयॉन्स लेके आइए, और वहां पे उसमें
उनको बता सकते हैं कि कैसे आप माइंड मैप बनाइए। इसकी कुछ एक बहुत सारी वेबसाइट है, ये जो mindmap.com है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगी जो आपको अगर और इसमें जानकारी चाहिए तो वो मिलेगा। जब ये माइंड मैप बन जाए तो फिर हमको लिखने का काम शुरू करना चाहिए। अब ये लिखने में पहले जैसा हमारे माइंड में विचार की जो कल्पना है जैसी है वैसी हमको बिना लिटरेचर देखे लिख डालनी चाहिए। मैं लिख डालना वर्ड जानबूझ के बोल रहा हूं कि जो है उसको पहले उतार दीजिए कागज पे, इतना पढ़ने के बाद और अपने थॉट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने के बाद, माइंड मैप के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करने लगता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में एक सीक्वेंस जैसा बन जाता है, तो हम वो उसको पहले उतार लें कागज में, उसके बाद फिर याद करना चाहिए कि कैसे मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। तो वैसे ही स्ट्रक्चर को फिर रिफाइन करते हुए आगे बढ़ना है। अब जब हम पहली बार हमारा ये विचार जो था वो कागज पे आ गया, तो फिर अगला प्रश्न ये है कि अब इसको हम स्ट्रक्चर में कैसे डालें। तो एक शीर्षक होना चाहिए जो कि आप शुरुआत में जरूर कोई ना कोई शीर्षक देना चाहिए सारे पार्टिसिपेंट्स को, जो कि आपके विचारों को ठीक से कैप्चर करे। फिर हर आर्टिकल में एक परिचय, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इतनी चीजें होनी चाहिए। या आप पार्टिसिपेंट्स को बता सकते हैं, आप उनसे बोल भी सकते हैं कि आनंदशाला में आने के पहले वो अपना एक फेवरेट आर्टिकल ले आए मीटिंग आनंदशाला। आप कुछ लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई आपको ये फेवरेट क्यों लगता है, आपको ये फेवरेट क्यों लगता है, इसमें क्या अच्छा लगा। फिर उनको ये एक्सप्लेन करने के बाद कि किसी भी शोध आर्टिकल में शीर्षक होगा जो उस विषय को बताता होगा, उसका उसमें एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन को अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंट्रोडक्शन को पढ़ के लोगों को आगे आर्टिकल पूरा पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। फिर एक मेन बॉडी होती है जो मुख्य भाग होता है, उसमें 5, 6, 7, 8 तक पॉइंट हो सकते हैं। इसमें आप उस विषय का लिटरेचर रिव्यू देते हैं, उसके उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देते हैं कि आत्मनिर्भरता कैसे, अगर मान लीजिए आत्मनिर्भरता एक विषय है तो कैसे हमारे कन्वर्सेशन में आया, नेशनल नैरेटिव में कैसे आया, किस बैकग्राउंड में आया। कोरोना की वजह से हमने देखा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स फार्मास्यूटिकल के, हमारी इंडस्ट्री जो थी बड़ी डिपेंडेंट थी चाइना पे, और वो इंग्रेडिएंट इतने मुश्किल भी नहीं है यहाँ बनाने, फिर भी हम नहीं बनाते थे। वहां से बहुत 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 जगह से आया होगा, पर वहां से भी एक विचार आया कि आत्मनिर्भरता आवश्यक है। या हम कितना अपना हथियार आयात करते हैं, उसमें कितना हमारा मार्जिन जो है वो दूसरी कंपनीज को, दूसरे कंट्रीज को जाता है, क्यों ना उनको बोलें कि वो हमारे यहाँ बनाए तो हम भी उनसे खरीदेंगे और एक्सपोर्ट होगा, बजाय हम इम्पोर्ट करने के एक्सपोर्ट करें। तो क्योंकि कोई भी इकोनॉमी बिना एक्सपोर्ट किए और बिना मैन्युफैक्चरिंग के डेवलप्ड स्टेज पे नहीं आ पाई, तो अगर हथियारों का इतना खरीद फरोख्त होता ही है तो क्यों ना ये हमारे देश से हो। इस तरह से किसी भी विषय को लेकर के कैसे वो कॉन्टेक्स्ट डेवलप हुआ, किस बैकग्राउंड में वो विचार आया, कैसे फिर ऐसे ऐसे अच्छे डाटा दे करके उसको स्ट्रेंथन करना होता है। और फिर 4-6 जो अपने कोर आइडियाज हैं उनको बताना, कैसे हो सकता है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और फिर कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन में साइड लेना अच्छा होता है, साइड लेना जब अच्छा क्या अपेक्षित ही हम इसको कहते हैं कि अपेक्षित होता है कि हम साइड लें, बताएं कि अनेक पक्ष होते हैं किसी भी चीज के, वो पक्ष हम मुख्य बॉडी में रखते हैं। और फिर कंक्लूजन में हम अपना भी अपना पक्ष जो कि जो दो चार पक्ष रखे उनके अलाइन हो सकता है या उनसे बिल्कुल भिन्न हो सकता है या उनका सिंथेसिस हो सकता है, कुछ भी। तो ये टेबल आप देख ही रहे होंगे, इसमें क्या है परिचय में, मुख्य बॉडी में, कंक्लूजन ये भी दिया है। और इस कैसे हम ये जानेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा हमारा जो इवेल्युएशन है वो कैसे होगा, तो किन किन पॉइंट्स पे होगा। तो आप बता सकते हैं कि भाई अभी हम एग्जैक्टली इवेल्युएशन शीट नहीं दे सकते, लेकिन आपका इवेल्युएशन लगभग जो क्वालिटी वाले जो पॉइंट है
इनमें से ही पॉइंट्स निकलेंगे और उनपे ही होगा। जैसे अगर टाइटल का एवेल्युएशन, मतलब वो एक कैची है कि नहीं, वो प्रिसाइज है कि नहीं, वो रियल है कि नहीं, वो वास्तविक है कि नहीं, सटीक है, इससे ये उसी टाइटल की गुणवत्ता को बताता है। रिसर्च क्वेश्चन इंट्रीगिंग है, पार्ट वो रुचिकर तरीके से ऐसे बताया गया है कि हमारी आगे पढ़ने की इच्छा हो इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन का जो इवेल्यूएशन है वो इस तरह से होगा। मेन बॉडी का जो इवेल्यूएशन है उसमें रिगर है कि नहीं, उसमें रेलेवेंट डाटा है कि नहीं, उसमें जो आपका लॉजिक है और जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसमें कोहेरेंस है कि नहीं, जो टिपिकल लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है प्रेमिस माइनर प्रेमिस कंक्लूजन, उसमें एक तारतम्यता है कि नहीं, ये इस बेस पे आर्टिकल का एवेल्युएशन होगा। और ये हमारे, और मुख्यतः ये हमारे ही चिंतन को ट्रेन करता है, हमारे माइंड की ट्रेनिंग है बेसिकली, हमारे थॉट की स्ट्रक्चरिंग है। और फिर कंक्लूजन का हमने कितने अच्छे से अपना पक्ष प्रस्तुत किया और कैसे उसको बताया, और अपना जो कुछ भी हमने विषय रखा उसको ठीक से कैसे निचोड़ करके हमने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, इस पे हमारा गुणवत्ता जो है वो कंक्लूजन सेक्शन की। तो ये स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है कि पॉलिश कैसे करें। जैसे मूर्ति में एक बार मिट्टी लगा दी, उसके बाद फिर रंग रोगन किया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, अगर कोई अंग प्रपोषण में नहीं है तो उसको भी फिर ठीक करना होता है। तो ये सारा जो है जैसे मूर्ति में होता है वैसे ही पॉलिशिंग आर्टिकल में होती है। मुख्य जो वैल्यू है आप उसका एक हीरे का उदाहरण भी दे सकते हैं। मैं जब ये स्लाइड फिर से भेजूंगा आपको तो ये फोटो डाल के भेजूंगा, जो बिना तराशा हुआ हीरा है और जो तराशा हुआ हीरा है उसमें बहुत वैल्यू का अंतर होता है, सैकड़ों गुना हजारों गुना, सैकड़ों गुना और कई बार हजार गुना अंतर। जो रॉ डायमंड है और अनकट डायमंड और नाइसली कट डायमंड, उसमें बहुत, उसकी कीमत में बहुत अंतर होता है। वैसे ही इसलिए हमारे यहाँ हीरा नहीं होता, तब भी भारत ने बहुत वर्षों तक जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट वैल्यू, जब आईटी, अब तो आईटी का एक्सपोर्ट वैल्यू सबसे ज्यादा है भारत में, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल दे यूज्ड टू बी नंबर वन एंड नंबर टू इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एक्सपोर्ट वैल्यू। सबसे ज्यादा पैसा उससे ही आता था क्योंकि हमारे यहाँ हीरा होता नहीं है, लेकिन कटिंग हमारे यहाँ होती है। हिंदुस्तान मतलब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कटिंग, हीरे की कटिंग भारत में होती और पर और उसका वैल्यू एडिशन बहुत जबरदस्त। तो वैसे ही आर्टिकल का भी है, उस जो वैल्यू एडिशन होता है रीराइटिंग में पॉलिशिंग, वो बहुत बढ़िया होता है और उसमें वो आनंददायक, वो भी एक अपना आनंददायक स्टेज होता है। फिर क्रेडिबिलिटी आर्टिकल की बहुत आवश्यक है कि जो हमने कहा है उस पर लोग विश्वास करें, उसके लिए डाटा दें, उसका सोर्स दें। और हमें इस विषय में आगे बताने के लिए प्रोफेसर ऋषिपाल जी हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर पे अगर कोई आपका प्रश्न है और कैसे इस स्ट्रक्चर तक पहुंचे और कैसे इस स्ट्रक्चर को हम अपना अपने पार्टिसिपेंट्स तक एक्सप्लेन करें, इसमें अगर कोई किसी का प्रश्न है तो 2-3 मिनट हम उस पर बात कर सकते हैं और फिर प्रोफेसर ऋषिपाल जी हमको बताएंगे कि कैसे हम अपने आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करें। प्लेजरिज्म, ओरिजिनलिटी चेक, ये ऐसे विषय हैं कि ये डराने वाले विषय नहीं है। ये जब आप में से अधिकांश लोगों ने खुद अपना आर्टिकल की ओरिजिनलिटी चेक की होगी, जब हम देखते हैं ओरिजिनलिटी और उसमें देखते हैं कि सिमिलैरिटी है, तो हमारा ब्रेन को हमारा नेचुरली एक चैलेंज मिलता है कि हम इस बात को अलग तरीके से कहें। और जब हम अलग तरीके से कहते हैं तो अक्सर पुराने तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी का ऐसा ही है, पॉलिश करते अभ्यास करते हुए उसमें निखार आता है। तो उस विषय में डॉक्टर प्रोफेसर ऋषिपाल जी बताएंगे, पर अगर अभी इस पर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ज्यादा समय नहीं होगा पर 2-3 मिनट तो हम दे ही सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बाद में भी टच में रहेंगे। जी प्रोफेसर तामनकर। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी क्योंकि हम
सारे अंडर ग्रेजुएट लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनका शायद स्ट्रक्चर इतना सही ना हो जैसे हम अभी बात कर रहे थे. तो क्या उन अगर उनका कंटेंट अच्छा है बट स्ट्रक्चर में थोड़ी गड़बड़ी है, तो क्या उनके इवैल्यूएशन पे इसका बहुत ज्यादा असर हो सकता है? दीदी ये बेसिकली हम लिखने की तो बात कर रहे हैं, पर एक एक, एक चिंतन की ट्रेनिंग ज्यादा है. तो जैसे हम कोई वक्तव्य रखते हैं तो उसमें भी जब तक स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता. तो हमको ऐसे ही सहजता से बताना है कि ये कोई बहुत टेक्निकल विषय नहीं है. जैसे मान लीजिए आपको 2 मिनट किसी भी विषय पे बोलना है या आपको अपना परिचय देना है, मान लीजिए तो हम अपना परिचय देना जनरली यहाँ से शुरू नहीं करते कि मैं हीरो होंडा प्लेजर गाड़ी चलाती हूँ या मैं हीरो होंडा चलाता हूँ, ऐसा नहीं करते. हम लोग अपना पहले नाम बताते हैं, फिर क्या शिक्षा है वो बताते हैं, फिर उसके बाद हॉबीज वगैरह बताते हैं. वो हम हीरो होंडा से बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्रिएटिव अगर हमारा कोई आइडिया है अपने इंट्रोडक्शन का तब हम इस तरह से करते हैं. वैसे ही हर चीज में स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो लिखने में भी स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो स्टेप बाय स्टेप में पसंद आए. और एक स्ट्रक्चर में एक फ्लो ये होता है कि पहले आप विषय का परिचय दीजिए, फिर उसके मुख्य जो बिंदु हैं वो बताइए, फिर उसका कंक्लूजन दीजिए. इसलिए मैंने ज्यादा एलैबोरेट स्ट्रक्चर सजेस्ट नहीं किया, 3 ही पार्ट हैं. ये तो पहला एक एक बात. दूसरी बात ये कि ये कोई मतलब 0-1 गेम या एवेल्युएशन नहीं है कि ये है या नहीं है. ये सब डिग्रीज में होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा. तो वो जो ज्यादा कम है उस हिसाब से मार्क्स कम या ज्यादा हो जाएंगे. ऐसा ही है, जैसे 10 में से किसी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो उसको 9 मिल जाएंगे, किसी का उतना अच्छा नहीं है पर कंटेंट है तो कंटेंट में भी नंबर है 10, स्ट्रक्चर में भी है उसको कंटेंट में ज्यादा मिलेंगे शायद 6 नंबर और स्ट्रक्चर में उसको मान लीजिए 3 नंबर मिल गए तो उसको 9 नंबर मिलेंगे. तो नेचुरली जिसका कंटेंट और स्ट्रक्चर दोनों अच्छा है उसको उसके आर्टिकल को ज्यादा मिल जाएगा, अच्छा एवेल्यूएशन मिल जाएगा. ऐसा ही है. और ये मुख्य बात है कि 0-1 वाला गेम नहीं है कि ये है या नहीं है, इसको हम किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं. ओके थैंक यू भाई साहब. मैं डॉक्टर अमर बहादुर शुक्ला. दीदी के प्रश्न से ही मिलता जुलता एक प्रश्न है, क्योंकि यह जो कंपटीशन है नेशनल लेवल पर है और बच्चों के मन में एक डाउट है कि रिसर्च के लेवल के लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग और अंडर ग्रेजुएशन के लोग तीनों जो है एक जो है ग्राउंड पर अगर लिखेंगे तो जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा अंडरस्टैंडिंग का, राइटिंग का, वो सब डिफरेंट होगा. तो एक बच्चों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हमको कॉम्पीट इनसे करना है. सारी कैटेगरी अलग अलग है ना, सारी कैटेगरी अलग है. अंडर ग्रेजुएट की कंपटीशन अंडर ग्रेजुएट से, चार कैटेगरी है ना. हाँ चार कैटेगरी है ना, चार कैटेगरी में पुरस्कार मिलेंगे और केवल नेशनल लेवल पे नहीं मिलेंगे, प्रांत लेवल पे भी पुरस्कार. ओके थैंक यू सो मच जी. प्रोफेसर सारस्वत. नमस्कार भाई साहब. मेरा एक आपसे पूछना था कि हमने जैसे आपने पूरे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्या हम अभी इस लेवल पे ये डिसाइड कर सकते हैं जैसे जितना भी कंस्ट्रक्शन है जितना भी एरिया है हम इसको बेसिकली ये डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स के अंदर कि हम इस पार्ट के इसका इतना इम्पोर्टेंस है या इतना योगदान रहेगा, बाकी जो कंटेंट है उसका इतना रहेगा, ताकि बच्चों को हम ये बता सकें कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको अच्छी तरह कवर करना है, मेन बॉडी के अंदर कितना पार्ट कवर हो जाएगा और उसका है ना आपको कितने लाइंस में वो पोर्शंस खत्म करना है. जैसे अपने जो नॉर्मल इंजीनियरिंग में या फिर और दूसरे पेपर्स पब्लिश होते हैं तो उसमें हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि आपको एक पेज का वो स्ट्रक्चर रहेगा और इंट्रोडक्शन रहेगा, मेन पेज आपको 4 लाइंस 4 पेज के होंगे या 3 पेज के होंगे और उसके अंदर आपको ये एरिया कवर करना है और उसके इतने मार्क्स होंगे. तो क्या हमारे लिए शब्द सीमा बताई गई है? नहीं, शब्द सीमा है लेकिन उसके अंदर जैसे अभी डिस्कस चल रहा था तो उसके अंदर मार्क्स भी हम डिफाइन कर दें कि इतने मार्क्स का कंटेंट रहेगा और उसके इवैल्यूएशन शीट जी बनेगी तो आपको उसको जो इवैल्यूएशन शीट जो फाइनल करेंगे तो वो तो मिलेगी, लेकिन इसमें मतलब हमको पार्टिसिपेंट्स को ये बताना आवश्यक है कि ये चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट है. जी भाई साहब सही बोल रहे हैं. जैसे प्रतिमा में मुख भी उतना ही है, थोरेक्स भी उतना इम्पोर्टेंट है, दोनों का सबका प्रोपोर्शन होना चाहिए. तो जी आप जी.
अभी तो आप ये मान के रहिए कि चारों को बराबर मार्क्स है, कंटेंट को थोड़े अधिक मिलेंगे, बाकी तीनों पार्ट को इक्वल मार्क्स होंगे। जी भाई साहब, जी भाई ठीक। 50 मार्क में है तो कंटेंट को 20 होंगे और बाकी को 10 10 10 होंगे। अभी तो ये मान के चलिए, बाकी इवैल्यूएशन शीट बाद में बनेगी, लेकिन इस आनंदशाला के लेते समय कंटेंट को ज्यादा महत्व देना है, तथ्यों को ये तो बताना ही है, लेकिन बाकी तीनों को भी इक्वल मार्क्स होंगे ऐसा मान के। जी बस जी, डॉक्टर जगबीर जी एंड यस भाई साहब, मुझे अभी सारा क्वेश्चन आंसर सुनते वक्त एक क्वेश्चन ये माइंड में आया था कि वी विल फाइंड लॉट ऑफ टॉपिक्स वुड बी वेरी रिपीटेटिव इन नेचर। तो टॉपिक्स माने मतलब अगर हाइपोथेटिकली 20 बच्चे काम कर रहे हैं, 20 बच्चे एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसे करेंगे कि पहले इनके सिनॉप्सिस टाइप मंगाएंगे, उसके बाद हम उनको रिसर्च पेपर लिखने के लिए कहेंगे, अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ रिपीटेशन दैट विल हैपन एट नेशनल लेवल। सब्सक्राइब करा देते थे अखबार वाला, होने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। डॉक्टर प्रीति नमस्ते सभी को। अच्छा ये रिसर्च पेपर में जैसे कि आपका ऑथर सिंगल ऑथर ही रहना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर एक से ज्यादा ऑथरशिप दिया जाए जिसमें कि पहला ऑथर जो है वो 40 साल से नीचे। नहीं सिंगल ऑथर ही। अच्छा दैट इज द आइडिया। अपना ये प्रतियोगिता के पीछे ये उद्देश्य ही नहीं है ना कि रिसर्च पेपर पब्लिश करने ये करने है। अपने प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य है कि रिसर्च के प्रति और रिसर्च पेपर राइटिंग के प्रति उन लोगों में रुचि उत्पन्न करना, इसलिए सिंगल ऑथर ही रखें। जी जी धन्यवाद भाई साहब।